हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने जिम में हूं और आज मुझे बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है, अपना बाइसेप बनाना है आज। तो बाइसेप के ही मैं 5 सेट लगाऊंगा और उसी के वीडियो हैं ये। बाइसेप का 5 सेट मैं आज लगाऊंगा और उसी का वीडियो है ये। आप लोग देख सकते हैं, हमारे सारे भाई लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपना वर्कआउट। कोई चेस्ट मार रहा है तो कोई बैक मार रहा है तो कोई अपना बाइसेप ट्राइसेप मार रहा है, तो सारे लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। पहला हमारा सेट है, देखिए हम ना जैसे वार्म अप हम नहीं किए हैं, तो हमें वार्म अप के लिए क्या है, जैसे मुझे आज बाइसेप ही मारना है, तो इसमें हम अपना खाली रॉड से ही शुरुआत करते हैं। इससे हमारा पहला सेट भी पूरा हो जाएगा और खाली रॉड से हमारा वार्म अप भी हो जाएगा। इससे मतलब हमारे शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए मतलब ये वार्म अप भी हो जाएगा हमारा और दोनों दोनों काम हो जाएगा। मेरे बाइसेप पर भी प्रॉब्लम होगा और वर्कआउट भी हो जाएगा। जैसे हम पुशअप पुशअप नहीं लगाए तो सीधा मतलब ऐसे करने लगे, तो इसके लिए हमारा ये अच्छा हो जाएगा। अच्छा है, तो आप लोग भी मतलब खाली रॉड से या कुछ भी एक्सरसाइज आप करते हैं तो सबसे पहले उसे मतलब खाली ही बिना किसी प्लेट लेट के आप कर सकते हैं। तो ये हमारा मतलब जितना देर आप मार सकें उतना आप कर सकते हैं आप भी, तो हल्के रॉड से अपना आप बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला सेट समाप्त हुआ, ये 50-40 जितना लगे हों अपना, 20-30 जो भी हो। तो दूसरा हमारा, चलिए दूसरा हमारा सेट है, इसमें हम एक प्लेट लगाएंगे, मतलब कि 5-5 kg के दो प्लेट लगाएंगे, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड एक 5-5 kg का मैं प्लेट लगाऊंगा। और उसके बाद ये हमारा दूसरा सेट है, तो इसमें उसके बाद आप लगा सकते हैं, मतलब पहले आप खाली रॉड मारिए अगर वार्म अप नहीं किए हैं तो, उसके बाद आप दूसरा उसके बाद अपना आप वजन बढ़ा सकते हैं। खाली रॉड से वार्म अप हो जाएगा और उसके बाद वजन, वार्म अप हमारा हो गया और पहला सेट भी पूरा हो गया, दूसरा ये हमारा 5-5 kg का। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you. तो दोस्तों हमारा दूसरा सेट समाप्त होता हुआ, अब चलिए हम अपना तीसरा सेट करते हैं। 5-5 का प्लेट की वो दूसरा सेट हमारा समाप्त, तीसरा है हमारा, ये भी 5-5 और 3 प्लेट और लगाएंगे, मतलब 3-3 kg का और भी प्लेट लगा के। ये है हमारा तीसरा सेट, इसमें मान लो उन दोनों में लगे 5-5 10 3 मतलब 16 kg हो जाएगा। तो राड को हटा के, राड को नहीं जोड़ा जाता, बस ऐसे ही केवल प्लेट जोड़ो, बस हो गया। तो इसमें हमारा हो गया टोटल 16 kg का, 16 kg का हमारा टोटल हो गया और ये हमारा तीसरा सेट है। तो तीसरा सेट हमारा है ये। सेट समाप्त होता हुआ, चौथा हम शुरू करते हैं। चौथा भी 16 kg का, मतलब अब इसके बाद हम वजन नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 4 और 5 मतलब ये भी चौथा मेरा 16 kg का है। इसमें भी हम जितना मारेंगे, मतलब जितना मार सकते हैं उतना ही मारेंगे, इसमें मैं वजन नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ज़्यादा हैवी वजन से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उतना ही आप मारो वजन जितने में आप मार सको, जितना मतलब एक्सरसाइज कर सको उतना ही वजन मारो। तो इसीलिए तो दोस्तों हमारा 4 सेट समाप्त हो चुका है, 4 सेट हमारा समाप्त हो चुका है। चौथा भी मैं 16 kg का मारा था क्योंकि कोई मतलब नहीं है ज़्यादा वजन मारे से। तो चलिए पांचवा हम शुरू करते हैं अपना, पांचवा भी हम 16 का ही मारेंगे क्योंकि ज़्यादा वजन से कोई मतलब नहीं है, उतना ही मारो जितना आप। माना गर्मी तेरे खून में खूब रही होगी, लेकिन हम भी वो हैं जिनका खून कभी ठंडा नहीं।
दोस्तों हमारे पांचों सेट बाइसेप के पूरे हो चुके हैं और ये हमारे त्यागी जी हैं जो अभी भी लगे हैं अपना बाइसेप बनाने में। तो ये बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, इन्हीं के साथ मैं जिम आता हूँ यहाँ। तो देखिए इनकी बॉडी भी तगड़ी है, ये बाउंसर की नौकरी भी करते हैं 8 घंटे की, बढ़िया पेमेंट है इनकी, मतलब अच्छे बंदे हैं। मैं इनके साथ रहता हूँ यहाँ, इनका गाँव यही है गेजा, इनका नाम है निरंजन त्यागी, अच्छे दोस्त हैं, देख सकते हैं आप हमारा जिम। अब हम लोग घर चलेंगे क्योंकि हमारी एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है, ये मैं लास्ट में आपको वीडियो बना के डाला हूँ जो मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी उसी का। तो घर चलते हैं। तो हमारा जो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं जिम से नीचे, जो 3 महीने के तक मैं नीचे आ चुका हूँ और हम लोग जाने वाले हैं। तो त्यागी जी अपना गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं। देखिए चला रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं हम, आप देख सकते हैं घर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा, रास्ते इतनी ज़्यादा, यहाँ इतनी ज़्यादा जगह सुन गया कुछ गाँव में रहते थे ना, तो खुला नहीं था रहते थे यहाँ, वो अजीब लगता है सारा दिन लगती भाई घर में, वहाँ हमेशा टहलते घूमते रहते थे अपने अपने अच्छे लोग थे भाई, गाँव की बात थी यहाँ क्या भाई, किसी न जान न पहचान, तो इतना मज़ा नहीं आता यहाँ, लेकिन अब धीरे धीरे मन लगने लगा है, कोई खास तो नहीं भाई, जान ना लगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जान लगा हुआ यहाँ पास। देख सकते हैं आप बढ़िया नज़ारा है, देख सकते हैं घर आ रहा है, तो देख सकते हैं आप नज़ारा रास्ते का नज़ारा। हमारा दिन करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, जा रहे हैं हम जहाँ से आते हैं हम लोग करीब ये 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर से हम लोग आते हैं यहाँ जिम जाने, कभी पैदल आते हैं 4 बजे उठ के आते हैं तो पैदल पैदल ही आते हैं, और अगर लेट हो गया कभी 6-7 बजे तो फिर आते हैं। ये है यहाँ का हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल। तो हम दोस्तों चलिए घर का दिखाते हैं सीधा, तो मैं अपने घर आ चुका हूँ दोस्तों, ये देखिए ये मेरा कमरा है, मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।